प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के कपड़े फाड़ने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता उनके संवाद और उनकी घोषणाएं सब फिल्मी हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के रतलाम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी घोषणा की कि देश में 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता फिल्मी हैं, उनके संवाद फिल्मी हैं, उनकी घोषणाएं फिल्मी हैं, उनके किरदार भी फिल्मी हैं। अब तो किरदार फिल्मों है तो जाहिर तौर पर सीन भी फिल्मी होगा। कांग्रेस के कपड़े फाड़ने वाले बयान पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए बोला कि पार्टी के वादे, संवाद, घोषणाएं सब फिल्मी हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण विधायक दबाव रखने की भी बात कही और विधानसभा और लोकसभा के 33% आरक्षण देकर के महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया, इस बात का भी गौर किया। देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भौंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी है, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी, कांग्रेस की असली सिर फुटबल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है साथियों। कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं, और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए हैं। आप जानते हैं कि यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन वो उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा।
लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है, मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है।